को देखने का तरीका यह होता है कि आदमी सोचता है यार क्लाइमेक्स ना देख लूं मैं, है ना, वो इंटरटेनमेंट में होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ाई की बात करते हो तो आपको ना सबसे पहले एक ओवरऑल पिक्चर होनी चाहिए, एक मतलब आप बाउंड्री में बांधो, जैसा मैं करता हूँ हमेशा, आप लोगों को बताता हूँ कि बाउंड्री बांध लाइन खींचिए आप, उसके बाद उसकी डिटेल करिए, ताकि आपको एक प्रोस्पेक्टिव पता हो, एक पिक्चर पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, राइट। जब तक आपको उसका बैकग्राउंड चीजें नहीं पता है, इसलिए मैं चीजों को बांधता हूँ कि आप किधर लीड कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, फिर मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको कल एक बैकग्राउंड बताया था, देखो जिस भी चीज को मैं पढ़ा रहा हूँ मैं पहले उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, आप लोग देख रहे हो सब, उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, इंट्रोडक्शन देने के बाद डिटेल में बात करते हैं हम लोग, और फिर फाइनली मैं उसको समराइज करते हैं, ठीक है ना, और फिर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, परफेक्ट हो जाती है चीज। इसी तरह हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं, और दिस इज द बेस्ट वे, जहां तक अभी तक जो मुझे मेरा मेरी समझ है उसमें बेस्ट वे यही है कि पहले आप एक काउंटर बॉन्डिंग कर लो, पूरा बढ़िया से इंट्रोडक्शन ले लो कि क्या है लर्निंग आउटकम, क्या है, क्या मुझे सीखना है, क्या क्या जिन सीखने जा रहा हूँ उसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बारे में डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में डिटेल में पढ़ने के बाद फिर उसको समराइज कर लो, समराइज करने के बाद उसके क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो, प्री के एग्जाम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो मेंस के, तो आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। ये तरीका होता है ओवरऑल स्टडी करने का। तो अभी हम लोग जो है आज जिस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम से जाहिर है कि आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम इसको कहें कि कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, तो असहयोग करेंगे, क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग कहते हैं ना, क्या कहता है, सहयोग कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, वी विल नॉट कोऑपरेट, हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग का मतलब क्या है, यू आर रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, we will not be the part of your administration, you are running a office, we will not do any job with you, we will not support you, you are running a court, we are advocate, we will not appear in your court, we will not file any petition in front of you, we will not go to your school or college or university, this is a kind of non-cooperation, kya hai कि नॉन कॉपरेशन का मतलब यह है कि हम आपके किसी भी सिस्टम में, बिकॉज वी आर नॉट एग्रीड विद योर सिस्टम, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद योर सिस्टम, वी आर नॉट लाइक, वी डोंट लाइक योर सिस्टम, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर सैटानिक मशीनरी, दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट यू, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन। हम आपके सिस्टम का, आपके एक्सप्लॉयटेशन का, आपके जो आप बुराई कर रहे हो उसका पार्ट नहीं बनना चाहते, इसलिए हम लोग कोऑपरेशन नहीं करेंगे। सिंपल बात समझ में आ गई कि व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। तो हम अगर काप के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, अपने स्कूलों में पढ़ेंगे, हम अपने स्कूल खोलेंगे, अपने हॉस्पिटल खोलेंगे, अपने कोर्ट रूम खोलेंगे, पंचायत लगाएंगे, ठीक है ना, वहां फैसले करेंगे, ठीक है। हम आपके यहां जॉब नहीं करेंगे, हम अपने इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, हम वहां जॉब करेंगे, समझ रहे हो। तो कोऑपरेशन, जब नॉन कोऑपरेशन करोगे तो आपको अल्टरनेट सिस्टम भी लाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो नॉन कोऑपरेशन करोगे तो उनका सिस्टम फेल होगा, बिकॉज एक नट भी, एक बोल्ट भी किसी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझ रहे हो ना। कभी कभी पूरी मशीन सिर्फ एक नट और बोल्ट की वजह से नहीं चल पाती है, क्या रे नट नहीं है, नहीं चल पाएगी, रिगार्डिंग सारा सिस्टम अपनी जगह पे है, सारी मशीनरी अपनी जगह पे है, बस एक नेट नहीं है और उसकी वजह से वो सिस्टम पूरा बंद पड़ा है। एक एरोप्लेन क्रैश हो सकता है एक नेट की उसकी वजह से, तो कोई भी चीज, वो कहते हैं ना, कहीं काम आवे सुई, कहीं गले तलवार, तो कहीं सुई के काम होता है तो कहीं तलवार का होता है, किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो अभी हम फिलहाल देख रहे हैं, जो मसला हमारे सामने है वो ये है कि हमें अंग्रेजों से ग्रीवेंसेस हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था 1914 से लेकर और 1918 तक लगभग आपका वर्ल्ड वॉर चला है। वर्ल्ड वॉर में हमारे जो लीडर्स थे वो शांत हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है अभी वॉर चल रहा है, ठीक है आप लोगों को दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो इन्फ्लेशन हो सकता है, अंडरस्टूड है, ठीक है।
लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने जो उनको वॉर में जो भी कमियां थी, जो भी दिक्कत, मतलब जो भी उनको उनके घाटा हुआ था, उसको रिकवर करने की इंडियन से कोशिश करके हैवी टैक्सेशन लगाना शुरू किया। जबकि ये सोचा जा रहा था कि अभी तो वॉर खत्म हो जाएगा तो कुछ हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो और हैवी टैक्सेशन लगाना शुरू किया। इसके खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार ये तो गलत चीज है, हम तो सुकून चाह रहे थे, तुमने तो और एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। क्या बोलता हूं मैं, आप एक्सपेक्टेशन किसी से मत पालो, किसी से भी नहीं। अंग्रेजों से पाला कि आजादी के बाद किसके बाद सब ठीक हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर के बाद सब ठीक हो जाएगा, हुआ ठीक नहीं हुआ, तो एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। और जब हर्ट्स होती है तो इंसान, जब हर्ट होता है इंसान तो क्या होता है, फिर वो रिवोल्ट करता है, फिर वो रिवोल्ट हो गया। करना चाहिए यानी चाहिए, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं पालना चाहिए, उनके नेचर को समझना चाहिए कि ये नेचर ही ऐसा इसका बंदे का, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है, बात खत्म। ठीक है, मतलब ये अंग्रेजों का ट्रू नेचर समझना चाहिए, ठीक है ना, कि ट्रू नेचर ये है कि दे विल एक्सप्लॉइट, दे आर नेचर इज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, वो आपकी केयर करने के लिए नहीं बैठे हुए, एंड दे विल नॉट केयर फॉर यू। तो एक्सपेक्टेशन आपने ज्यादा लगा ली, अच्छा उसके वो कनिंग थे, वो अच्छे भी नहीं थे, ये भी इसमें कोई शक नहीं है। और उनका था कि बेटा अभी बस मेरा काम निकल जाए, 1914 से 18 निकल जाए किसी तरह, फिर देखता हूँ कैसे को कैसे करते हैं। उन्होंने तो ऑटोनोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कितनी कोशिशें कर ली, कितनी चीजें कर ली, ठीक है ना। तो वहां पे क्या था, आपको अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे हो, अभी आपका चल ही रहा है, आपने देखा कि अगर ईस्टर्न साइड में आप पूरा यूरोप देखो, यहाँ तक कि स्पेन तक का भी देखो, तो पहले स्पेन जो है, और स्पेन से लेकर और समझ लो पूरा इधर ईस्टर्न यूरोप, वो ऑटोमन एम्पायर है। पहले स्पेन भी था, 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पे राज किया, ठीक है। तो स्पेन वगैरह सब ऑटोमन एम्पायर है, मुस्लिम एम्पायर है, रशिया तक फैले हुए हैं, बहुत बड़ा एम्पायर है। वो एम्पायर जो है उससे जर्मनी ने, आपको पता है कि जब प्रुसिया जो है जर्मनी बन जाएगा, अभी आप पढ़ोगे आगे, तो फिर वो एक एग्रीमेंट करेंगे कि आइदर वर्ल्ड पावर और डाउनफॉल टाइप का उसका एटीट्यूड रहेगा, किसका, जर्मनी का। तो ये ऑटोमन एम्पायर भी उनके साइड में हो जाएंगे। जब वॉर होगा तो ये सारे क्रिश्चियन स्टेट एक साथ हो जाएंगे, जर्मनी वगैरह को छोड़कर एक दो लोग को, बाकी सब एक साथ हो जाएंगे। और फिर पता क्या चलेगा कि वर्ल्ड वॉर में ये जो जर्मनी वाली साइड है वो हार जाएगी। मैं वर्ल्ड वॉर पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमारे सिलेबस में है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर मतलब अब कमजोर हो गया है, और इन लोगों का एक प्लान भी था, स्काय पिकॉट एग्रीमेंट, ठीक है, और ऐसे कई सारे सीक्रेट एग्रीमेंट थे जिसमें यह था कि इनको डिसइंटीग्रेट करना है, किसको, ऑटोमन एम्पायर को, क्रिश्चियन वर्ल्ड से। बहुत सारे क्रूसेड हुए हैं मुसलमानों के, तो उसमें यह था कि इनको किसी तरह डिसइंटीग्रेट करना है, मुसलमानों की पावर को खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि मुसलमान कोई बाउंड्री नहीं देखता था। ऑटोमन एम्पायर उनका एक लीडर, मतलब ऑटोमन, वो तो बात है अलग की, ये वीक हो गए थे अब तक, लेकिन जो ये था कि एक खलीफा को मानते, खलीफा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता था, उसको मानते थे कि हम सब खलीफा के अंडर में, कोई राजा खलीफा से ऊपर नहीं है, आप अपने अपनी जगह के गवर्नर हैं, सब कुछ है, राजा बने बैठे हैं अपनी जगह पे, लेकिन आप सब खलीफा के अंडर में। मुस्लिम वर्ल्ड का ये फॉर्मूला है कि खलीफा सबसे ऊपर है, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव है, और खलीफा के नीचे सारे हैं जो भी हैं वो सब गवर्नर हैं उसके, एक तरह से टीपू सुल्तान ने भी कहा था मैं खलीफा के अंडर में, ठीक है। तो मतलब खलीफा के इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया था, दो औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नहीं किया, ठीक है, लेकिन लोग करते। तो यहाँ पे मुगलों ने खिलाफत के इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज ना करके कई बार ऐसा है कि नहीं किया था, बाकी लोग करते थे, क्योंकि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, और जो क्योंकि अकबर ने दीन इलाही धर्म चला दिया था नया, तो सब वजूहात की वजह से वो नहीं था, लेकिन बाकी जो पायस होते थे थोड़े से, जो इस्लामियात को फॉलो करते थे, इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते थे, वो लोग खलीफा के अंडर में अपने आप को रखते थे, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा के अंदर में मुत्तहिद हो जाता है, एकजुट हो जाता है, ठीक है ना। खलीफा जो होता है वो कहीं का भी हो, मतलब वो चाहे कहीं का भी मुसलमान हो, वो खलीफा के अंडर में माना जाता है। जैसे मान लीजिए अभी खिलाफत होती, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मान लो रोहिंग्याज है फॉर एग्जाम्पल, रोहिंग्याज के ऊपर अगर वहां पे आर्मी हमला करती उनकी, तो खलीफा का ऑर्डर हो जाता, जो भी आर्मी स्टेशन होती, चाहे बांग्लादेश में होती, चाहे चाइना में होती, जो भी वॉर कर रहे होते, जहां भी जिस फ्रंट पे लड़ रहे होते, खलीफा का एक ऑर्डर होता, कोई इंडिया में हो रहा तो होता, कोई बांग्लादेश में, कोई चाइना से, कोई म्यांमार की साइड में, कहीं से होता, वो सब कहां पहुंचते, खलीफा के ऑर्डर पे म्यांमार पहुंच जाते कि चलो पीट के आते हैं, और वो एक खलीफा के ऑर्डर थी, हर तरफ से आर्मी पहुंच जाती वहां पे, समझ रहे हो ना।
तो वो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन था क्योंकि वो बाउंड्रीज नहीं देखते थे, वो देखते थे मुस्लिम सारे भाई हैं और मुस्लिम जो है मुस्लिम वर्ल्ड का एक खलीफा है और वो इस बिना पर कि वो मुसलमान है कलमा को है इसलिए जुड़े हुए हैं। ये एक इंस्टीट्यूशन था और ये एक पावर देता था मुसलमानों को। वो अलग बात है कि कभी कमजोर खलीफा हो गया, कभी वो हो गया, कभी खिलाफत को ठीक से उसने नहीं वो किया फॉलो किया, इस रिलीजन को ठीक से फॉलो नहीं किया, वो सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन खलीफा एक लीडर होता था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, इस बात से कोई डिनाई नहीं करता था। वो अलग बात है उसकी इंस्टीट्यूशन को कोई मतलब वायलेशन कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। इससे अंग्रेजों को एक ये डर था कि अगर ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन रहा हाँ बाकी रहा और ये हमेशा सबके बारे में सोचते रहे, ठीक है, खिलाफत अगर रही तो किसी दिन कोई स्ट्रांग आ जाएगा। भाई कोई वीक आज खलीफा है तो कल कोई स्ट्रांग खलीफा हो जाएगा, हो सकता है वो मुत्तहद कर देगा सबको, सबको जोड़ लेगा, सारे गवर्नर हो सकता है उसके अंडर में आ जाए, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे भी लोग आ सकते हैं, हर दौर में आए हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज उमर फारूक नहीं है, उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बाद के हैं लेकिन बहुत बड़े खलीफा हुए, ठीक है ना। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की बात अलग है, यह क्या नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज का भी बहुत फेमस है वो, ठीक है ना, बहुत फेमस वो है इंसाफ में, बहुत माने जाने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे खलीफा आ सकते हैं जो कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दें, तो इससे बेहतर ये है कि सबसे बेहतर ये है कि इनको आपस में लड़ा दो, खलीफा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन रहे ना जिसके झंडे के नीचे सारे मुत्तहिद हो जाए। सबसे पहला इनका ये साजिश थी कि खलीफा के इंस्टीट्यूशन, और इसके लिए क्या है, डेमोक्रेसी लाओ, कंट्री बनाओ, बाउंड्रीज डिमार्केट करो, और बाउंड्रीज डिमार्केट के बारे में डिमार्केट करके इनको ये बाउंड्रीज में बांध दो। टर्की सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो मदीना और मक्का के बारे में ना सोचे, अरब के बारे में ना सोचे, वो ओमान और यमन के बारे में ना सोचे, वो यूएई के बारे में ना सोचे, वो इंडिया के बारे में ना सोचे, वो पाकिस्तान के बारे में ना सोचे, वो बांग्लादेश के बारे में ना सोचे, वो कहां सोचे, सिर्फ टर्की के बारे में। अपनी बाउंड्रीज में उनको कन्फाइन कर दो और उनको इतना मजबूर कर दो कि तू कह दे भैया टर्की तेरा परिवार है तू पहले टर्की के बारे में सोचना, हम पहले तुझे वहीं वो कर देंगे, दबा देंगे, बाकी लोगों को तो तू यानी परिवार तुझे ये सोचा है, एक नैरो थिंकिंग हो जाए कि सारे मुसलमान परिवार नहीं है, वासुदेव कुटुंबकम वाली कहानी नहीं है, मुस्लिम और बर्दर वाली फैमिली वो नहीं है, ठीक है। तो ये पहले इनका था एक मतलब सीक्रेट एग्रीमेंट हो गया था कि भाई इसकी किसी तरह से भी इसको कमजोर करना है क्योंकि ये कभी भी सर उठा सकता है, तो ये इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर देना है किसी तरह से। तो इन लोगों ने क्या किया, उन्हीं में से ट्रेडर्स उठाते थे, और आपको दिखाया जाएगा अभी की खिलाफत के खिलाफ, खिलाफत का जब इंस्टीट्यूशन ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो इंडिया में एक खिलाफत मूवमेंट चलेगा, इंडिया के मुस्लिम सारे खड़े हो जाएंगे कि नहीं हमारे खलीफा को कोई मतलब हटाने की या उनको उनको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा कोई, उनके साथ है, हम यहाँ से एक मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, तो यहाँ हथियार उठा के कोई नहीं जा रहा लेकिन मोरल सपोर्ट दे रहे हैं और गांधी जी भी उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि टर्की में ही उन लोगों ने जब आग लगा दी तो फिर बचा क्या, वहां पे उन्होंने एक बंदे को खड़ा कर दिया जिसका नाम है अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा, उसको अतातुर्क कहा जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा जिसको अतातुर्क कहा जाता है, उससे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और उसको बोला कि तुम मॉडर्नाइज करोगे टर्की को, क्या करोगे, टर्की को मॉडर्नाइज करोगे। टर्की को मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या है कि सारे जो इस्लामियात है उनको खत्म करोगे इन चीजों को, और अपनी टर्की को सोचोगे और वेस्टर्न लाइन पे करोगे। तो इंग्लिश में अजाने दिलाई गई, हाफ पैंट पहन के लोगों ने बड़ा मतलब बहुत सारी चीजें हुई वहां पे, सारा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह सब चेंज कर दिया, और उसने मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क इसलिए कहते हैं कि वो टर्की को उसने बचाने के लिए खिलाफत तोड़ दी, ठीक है। और एक तरह से मुस्तफा कमाल पाशा को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फिर उसने उसको अंग्रेजों ने यूज किया है खिलाफत के इंस्टीट्यूशन को तोड़ने में, और वो पॉपुलर भी बहुत था वहां पे, तो ऐसे बंदे को चूज ही किया जाता है, और ये खिलाफत इंस्टीट्यूशन को ब्रेक कर दिया गया। और तभी से आप एक आइडियोलॉजी, मैंने ये आपको बताई थी पहले भी बता चुका हूँ कि जो एक आइडियोलॉजी टेररिस्ट जो ग्रुप हैं उनकी एक आइडियोलॉजी ये भी है, जैसे अल बगदादी वगैरह को ये लोग बना रहे थे ना, तो ये ISIS वाले या कोई भी था उनका एक आइडियोलॉजी हमेशा गाते हैं सबके सामने, कहते हैं वो क्या है कि हम खिलाफत को रिस्टोर करेंगे, क्या करेंगे, खिलाफत को रिस्टोर करेंगे। अब ये उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, जिहाद करेंगे,
तो उनको दूसरा जो वो है वो उनको एक बैड नेम देगा जिसको हम बोलते हैं टेररिस्ट. दे आर द फ्रीडम फाइटर और दे आर प्रोटेक्टर ऑफ देयर रिलीजन इन देयर आईज. अपनी आंखों में तो वही है ना, और अपनी आंखों में हीरो वही है, एक जगह का एक कंट्री का टेररिस्ट. आवाज आ रही है? ऑडिबल हूं मैं? ठीक है, तो ध्यान दें भाई सब लोग, यहां पे आ जाइए आप लोग. ये पीपल वर गेटिंग रेस्टलेस, ये वाला इंडिया इन 1919, ठीक है, इंडिया इन 1919 पीपल वर गेटिंग रेस्टलेस, ये वाला ठीक है. 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, मैंने बताया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के डिटेल के लिए आप लोग देखेंगे कौन क्या वर्ल्ड वॉर के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए जो कि चल रही है पैरेलली, तो उसमें आप लोग देख लेंगे, तो डोंट वरी. अच्छा, अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की डिटेल के बजाय हम ये देखते हैं कि कंडीशन क्या थी. तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया था. कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जो है तो वो डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है. ये लोग जब आवाज उठी, रिसेंटमेंट हुआ, तो क्या हुआ, इन्होंने तलवारें उठा ली, गोलियां बंदूकें उठा ली, ठीक है, कि मारेंगे. हमने बोला कि कानून बनाए कि उठा के ट्रायल करके जेल में डाल देंगे, हमारी आवाज अगर हम लोगों के खिलाफ कुछ बोलोगे तो हम क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे. अब जेल में डालने की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि ये कैसे, बोला बिना ट्रायल के जेल में डालेंगे, कोर्ट तो कह रहा कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है. तो बोला कोई मतलब नहीं है रोलेट एक्ट के तहत, तो हमने बोला हम विरोध करेंगे, बोला हम गोली मारेंगे, जलियांवाला बाग गोली. हमने तो प्रोटेस्ट किया, सैफुद्दीन किचलू को और क्या नाम है आपका सत्यपाल को अरेस्ट किया इन्होंने, हमारे लीडर थे अमृतसर में, हम लोग जलियांवाला बाग गए, हमने वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया, इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चला दी, हमारे लोगों को मारा जनरल डायर ने, और उसको कोई रिग्रेट नहीं, ठीक है. दूसरी तरफ ये हमारे लिए हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है इनकी बात को माने, और ये हमारे लिए मॉन्टेस्क्यू चांस फॉर रिफॉर्म, जिसको आपको पता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भी कहते हैं, वो लेकर आ गए, एक कैरेट देने की कोशिश की हमें, लेकिन हमें लगा कि ये सब जो कहानियां, इसका कुछ करना पड़ेगा. गांधी जी को क्या लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा. साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड के अंदर एक बात और हो गई थी कि आपको पता है 1916 के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का की दोस्ती हो गई थी 1916 के अंदर. 10 साल में, मतलब 10 साल लग ही जाता है समझ में आने में कि मोदी कितना अच्छा है, नहीं है कि नहीं. तो ये इनको भी लगा 10 साल लग गए समझ में आने में, 1906 में बने थे, 10 साल में जाके समझ में आया कि अंग्रेज कैसे हैं मुसलमानों को, ठीक है. और कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि मुसलमानों की बात लेके चलनी पड़ेगी. दोनों लोगों ने जो है लखनऊ में आपको पता है लखनऊ में पैक्ट किया. एसी मजूमदार वाज द चेयरमैन, ठीक है, कौन थे, एसी मजूमदार वाज द चेयरमैन. और उन्होंने खूब रोए गले लग लग के, भाई मेरा कहाँ बिछड़ गया था, ये वो फाना फलान ठिकान करके, खूब आपस में हिंदू मुसलमान मिलके रोए, बोला कॉमन फाइट करेंगे, अंग्रेजों का नेचर हम समझ चुके हैं, ठीक है ना. ओके, और अंग्रेजों का नेचर जब समझ चुके हैं तो देखो दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं जो पिटीशन वाले होते हैं, वही नरम दल वाले, एक होते हैं थोड़ा गर्म दल वाले, और एक होते हैं उनके बाप. तो राइज ऑफ द यंग मुस्लिम हु एडवोकेटेड मिलिटेंट नेशनलिज्म, उन्होंने कहा भैया हम ही हथियार उठाएंगे, हैं अशफाकुल्ला खान जैसे लोग भी तो आएंगे, ठीक है, जो हथियार उठाएंगे कि हमारे मौलाना को हमारे उलमा को उठा उठा के मारा इन्होंने वहाबी मूवमेंट के टाइम पे, फराजी मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है ना, और किया है तो हम कुछ करेंगे, ठीक है, हमें जिहाद करना पड़ेगा अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना. तो ये आपकी जो है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जो है टू मूवमेंट इमर्ज्ड विद अ सेपरेट इशूज. अब देखो दो मूवमेंट हैं, कौन से, एक तो खिलाफत वाला इशू है, और खिलाफत वाला इशू जो है इंडियंस का कोई इशू है ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो. इंडियंस का, इंडियन इंडिपेंडेंस से उसका कोई खास लिंक नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स का लिंक नहीं है, लेकिन पिक्चर में कौन है, गांधी जी. और गांधी वॉज अ प्लेयर, ही वॉज अ मास्टर माइंड, है वो. गांधी जो है वो छोटे से इशू को उठा के बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं, ठीक है ना. और गांधी को लिंक करने में तो मारा था सिले शॉर्ट एनालिसिस वो कर ही लेते हैं, तो ही वॉज गांधी,
तो गांधी ने कहा मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना, ठीक है देख लो इधर भी एक बार मैं हूं ना, गांधी जी को देखो एक बार। तो गांधी जी ने कहा दो मूवमेंट है वो इमर्ज हुए हैं, वो सेपरेट सेपरेट इशूज के हैं, ठीक है ना, उनको कॉमन बनाना, उनमें लिंक जोड़ना गांधी जी का काम है। नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा, नॉन कॉपरेशन होगा। गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, खिलाफत इज नॉट डायरेक्टली लिंक विद इंडियन पॉलिटिक्स। ओके सुनो सुनो बात को, खिलाफत वॉज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द इंडियन पॉलिटिक्स बट इट वॉज लिंक टू द इंडियन मुस्लिम। लिंक था ना, तो जोड़ने में गांधी जी पीछे तो रहते नहीं है, गांधी जी तोड़ते नहीं है, गांधी जी जोड़ते हैं। इट प्रोवाइड एन इमीजिएट बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट, इनको पता था कि एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं सारे यंग यूथ मुस्लिम, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है, डायरेक्शन देने की जरूरत है, एंड बहुत अच्छा एजिटेशन करेंगे ये लोग, समझ रहे हो ना, नॉन वायलेंस में ही करेंगे लेकिन अच्छा एजिटेशन करेंगे और बैठे रहेंगे भूखे हमारे साथ, स्प्रिट दिखाएंगे, गांधी जी को क्लियर था। तो इमीडिएट बैकग्राउंड जो है, ठीक है, उसका एक इनको एक इमीडिएट एक बैकग्राउंड मिला कि हम किस तरीके से उस जो लखनऊ पैक्ट था उसको और सीमेंटिंग कर दें और जोड़ दें, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को और अच्छे से कैसे बना दें, समझ रहे हो ना, और अगर हम हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड होकर लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स के पैर उखाड़ देंगे, ठीक है ना, जब दो तरफ से हमला होगा तो एकजुट होकर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों को तकलीफ तो होगी। गांधी जी ने सोचा कि ये दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द ऑप्टिमम टाइम, दिस इज द हाई टाइम फॉर व्हाट, फॉर यूजिंग दिस एनर्जी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। लोग वैसे ही रेस्टलेस हो रहे थे, दुख उन्होंने जलियांवाला बाग में देखा ही था, ठीक है, खिलाफत भी आ गया, ठीक है, तो उसमें एक और मुस्लिम लोगों को भी मोबिलाइज करना बड़ा आसान हो गया उसकी वजह से इस मूवमेंट में, ठीक है, माँ अच्छा पार्टिसिपेशन करने के लिए। अब इसका खिलाफत मूवमेंट क्या है उसको देख लें अगर, तो आप ये देखिए जरा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ एलाइड फोर्सेज और सेंट्रल फोर्सेज के बीच में, ठीक है ना, ओटोमन एम्पायर देखिए जरा, ओटोमन एम्पायर ये देखिए आप, और ईयर देखते जाइए बस, इसको देखिए ओटोमन एम्पायर कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है, 1718 में आके देखो, 1739 में, 1774 में, देख लो यूरोप तक फैला हुआ है, ईस्टर्न यूरोप तक देख लो, 1792, 1798 अफ्रीका से गायब हो रहा है, फिर 1801, ओके 1812, ये ग्रीन वाला है समझ लो, 1817, 1829, 1830, 1862, 1878, 1881, 1882, 1912, 1913, और उसके बाद देखो 1913 के बाद देखो 1920, देख रहे हो, टर्की उतना भी नहीं बचा, उतना भी नहीं बचा जितना टर्की था, तो फिर उसके बाद पूरी टर्की को एक एग्रीमेंट किया गया जिसके तहत ओटोमन एम्पायर 1300 में देखो कितना सा है, ओटोमन एम्पायर 1300 में कितना सा है और 1359 में कहां से उठा है, देख रहे हो, और कहां से कहां तक फैला है, तीनों कॉन्टिनेंट में, एशिया में भी, यूरोप में भी और अफ्रीका में भी, ठीक है ना, कितनी जबरदस्त तरीके से फैला है, ठीक है ना, और ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद का जो पीरियड है उसमें क्या हुआ है कि ये धीरे धीरे फिर डाउन हुए हैं, और 1913 वगैरह में जाके तो एकदम छोटे से बचे, वो 1920 में जब खिलाफत जब उसने रिपब्लिक ऑफ टर्की बनाया तो वो टर्की को पूरा एग्रीमेंट के थ्रू उतना बचा लिया है, ठीक है ना, ठीक। तो खलीफा जो है वो एक मैंने आपको बताया था 1920 के अंदर एक ट्रीटी होती है सेवरेस की ट्रीटी, टर्की के साथ ट्रीटी ऑफ सेवरेस मई 1920 में, ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि कंप्लीटली डिसमेंबर्ड टर्की, ठीक है, और प्रोटेस्ट स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय फेलो मुस्लिम लीडर्स, ये लोग जो है जो खलीफा को जो ये मतलब उसके इंस्टीट्यूशन को जो ये लोग वो करते हैं इंडेमनीफाई करते हैं मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसके खिलाफ पूरे इंडिया में मुस्लिम्स प्रोटेस्ट पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम प्रोटेस्ट शुरू करने करते हैं उसमें इंडिया में भी करते हैं और उसमें जो मेन लीडर्स होते हैं वो मोहम्मद अली और शौकत अली होते हैं, ठीक है ना। 1920 में आप देखते हो फरवरी में कि फरवरी में पंजाब रॉन्ग हुआ है मतलब जलियांवाला बाग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट लेकर ये लोग लेकर आते हैं क्या वो क्या नाम है आपका मॉरले वो मॉन्टेस्क्यू चेंज फॉर रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। खिलाफत क्वेश्चन उठता है, ठीक है,
1920 में जून के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है इलाहाबाद में, बायकॉट करने की बात शुरू करते हैं गांधी जी की, पूरे स्कूल्स का, कॉलेजेस का, लॉ कोर्ट्स का, सब बायकॉट करेंगे। क्या करेंगे? सब बायकॉट करेंगे। और ये क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसका अगला स्टेज होता है सिविल डिसोबीडियंस। पहले कॉपरेशन नहीं करेंगे, कॉपरेशन नहीं करेंगे, आपका हम काम नहीं करेंगे, आप कहोगे हम मानेंगे नहीं। दूसरा होता है कि जो आप कानून बनाओगे उसको तोड़ेंगे, ये अगला स्टेज होता है। लेकिन ये स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए ये क्रांति, था कि सिविल डिसोबीडियंस पहुंचाएंगे लेकिन पहुंच नहीं पाई है, उसको पहुंचने में फिर 10 साल और लग गए। ठीक है ना, तो अगस्त 1, 1920 के अंदर खिलाफत कमेटी स्टार्ट की गई, स्टार्ट करती है कंपेन, और खिलाफत कमेटी जो बनाई जाती है उसके चेयरमैन बनाए जाते हैं गांधी जी। ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च कर दिया जाता है 1920 के अंदर। कलकत्ता के अंदर कांग्रेस अप्रूव करती है कि नॉर्थ कॉपरेशन प्रोग्राम होगा टिल पंजाब खिलाफत रॉन्ग वर रिमूव्ड एंड स्वराज वाज एस्टेब्लिश। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के प्रोग्राम कांग्रेस का क्या था कि हमें क्या क्या करना है, क्योंकि पता चला कि जब वो कर दिया खिलाफत का इंस्टीट्यूशन डाउन हो गया तो फिर कुछ बचा नहीं था, वो बचेगा नहीं आगे देखेंगे। तो कांग्रेस का प्रोग्राम यह था कि भाई हम स्कूल को बायकॉट करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज को बायकॉट करेंगे, बायकॉट करेंगे लॉ कोर्ट्स को, जस्टिस पंचायत ने से करवाएंगे, ठीक है, अपनी पंचायतें लगाएंगे, पहले ही बता दिया मैंने, बायकॉट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, हम संसद नहीं जाएंगे, वहाँ पार्लियामेंट क्या नाम है आपका विधानसभा विधान में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, फॉरन क्लोथ नहीं पहनेंगे, खादी पहनेंगे, ठीक है ना, और ऑनर और टाइटल जो भी गवर्नमेंट ने दिया है वो सब हम क्या करेंगे, वो सब छोड़ देंगे। सेकेंड फेज शुरू होता है मास सिविल डिसोबीडियंस का, इंक्लूडिंग रिजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेशन, टैक्स नहीं देंगे और गवर्नमेंट सर्विसेज से हम क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे। ठीक है, 1920 के अंदर आप देख रहे हैं सितंबर 1920 के अंदर अप्रूव होता है क्या, आपका नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम कांग्रेस के द्वारा, खिलाफत पंजाब रॉन्ग और स्वराज को इस्टेब्लिश करने की बात होती है। ठीक है ना, क्या क्या बात होती है, तीन चीजें हैं, खिलाफत पंजाब रॉन्ग मतलब जलियांवाला बाग और स्वराज इस्टेब्लिश करने के लिए मांग की जा रही है। नागपुर के अंदर दिसंबर 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है ना, सच्चाई के रास्ते पर चलो, कांग्रेस जो है स्वराज की डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के थ्रू, पीसफुल डिस्ट्रीमेट मींस के थ्रू। ठीक है, अब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है, राइट, अभी तक जो था। तो नॉन कॉपरेशन के लिए जो है खिलाफत मूवमेंट जब भी इसमें बीच में चल रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, इफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम, इन्होंने गांधी जी ने कहा था इफ द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, ठीक है, वॉज इम्प्लीमेंटेड कम्प्लीटली स्वराज वुड बी अपसर्ज इन विद इन वन ईयर। ठीक है, एक साल में हम स्वराज पालेंगे। ठीक है ना, 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जाती है, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी बनाई जाती है, PCC, लिंग्विस्टिक बेसिस पर किस लोगों को जाओ समझाओ, वार्ड विलेजेस कमिटीज बनाई जाती है, यानी काफी ज्यादा, और चार आना, बहुत थोड़ा सा फीस रखा जाता है कि चार आना में आप एंट्री फीस है कांग्रेस का मेंबर बन सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से करते हैं, और दिस अडॉप्शन गिव इट अ न्यू एनर्जी, और 1921 में और 22 में जो है ये काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर, अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलर हो जाता है, पूरा कांग्रेस के प्रोग्राम पॉपुलर हो जाते हैं, हर कोई इसका साथ दे रहा होता है। इधर आप देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली को, ठीक है, गांधी जो है अकंपनीड करते हैं किसको, अली ब्रदर्स को, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। ठीक है ना, ये जो है नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करते हैं, 90,000 स्टूडेंट जो है वो आपका गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज छोड़ देते हैं। ठीक है, पढ़ना कौन चाहता है, छोड़ ही दो। ठीक है, और 800 नेशनल कॉलेज स्कूल और कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए जाते हैं जिनको लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, और जिसमें से जो बनाई जाती है 1920s में जो आई हैं, आपको पता है 1920s में ही ये सब बने हैं, जामिया मिल्लिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सब नेशनलिस्ट एजुकेशन देने के लिए डेवलप किए गए थे, समझ गए। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ठीक है ना, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, इसमें छोड़ने वाले कौन है, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, भूलाभाई देसाई, ये सब लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, और फॉरेन क्लॉज की जो है अपना कोट पैंट सब उतार के फेंक दिया और उसको दे दिया कि जाओ जला दो, फॉरेन क्लॉज की जो है वो हीप लगाई गई जलाने के लिए, और शॉप्स वगैरह में जो मतलब जो भी लिकर वगैरह, फॉरेन लिकर वगैरह बेच रहे या कुछ भी, तो उसको सबको लूट लाट के उसको भी फेंके दे रहे हैं। ठीक है ना, कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्पस वो सब इमर्ज हो गए कि इस पे हमें काम करना है और फॉरेन क्लॉज वगैरह को जलाना है, बहुत ही एंथुजियास्टिक होकर, वैसे भी वायलेंस करने में मजा ही आता है लोगों को, तो करने, ठीक है, मतलब ऐसा चीजें करने में मजा आता है, जलाने वलाने और हुलदंग मचाने, आपको पता है ना रैलियां देखो निकलती हैं तो कैसे लोग करते हैं।
लोकल कांग्रेस बॉडीज जो है उनको कहा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें. क्या करें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब कानून तोड़ना शुरू करो धीरे धीरे. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाँ ये नहीं कि मतलब मारना शुरू करो, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो टैक्स नहीं देना है. तो ये बायकॉट करा जाएगा, फॉरेन क्लोथ को जलाया जाएगा, लेडीज वगैरह के लिए अलग अरेंजमेंट है, ये सब कहानी करके ऐसे पंपलेट लगा देते हैं कि आ जाओ सब लोग मिलकर जलाएंगे, ठीक है ना. नो टैक्स मूवमेंट चलाया जाता है अगेंस्ट द यूनियन बोर्ड टैक्स ऑफ मिदनापुर एंड क्या नाम है गुंटूर वगैरह में, और आसाम में टी प्लांटेशन में जो है स्टीमर सर्विस में, यहाँ सब सब लोग जो है अपनी जॉब छोड़ रहे हैं और अपना टैक्स वैक्स देना बंद कर रहे हैं, ठीक है ना. आसाम बंगाल रेलवेज में भी इसी तरह की चीजें होती हैं. उसके अलावा लोकल स्ट्रगल शुरू होता है, अवध में किसान मूवमेंट शुरू हो जाता है, एका मूवमेंट शुरू होता है, मापिल्ला रिवॉल्ट वगैरह मालाबार वगैरह में. तो ये सारा जो है ना हर जगह मूवमेंट कुछ ना कुछ तरह के स्ट्राइक और वो सब चीजें चल रही थी, ठीक है ना. लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे गवर्नमेंट के खिलाफ. आप क्या कह रहे हैं? अब क्या हुआ? रीडिंग क्या कह रहे हैं कि सर रीड करने से काम नहीं चलेगा, वाना टॉक टू यू, ठीक है. किससे? गांधी जी से. गांधी से क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है ना. गवर्नमेंट ने कम डाउन हैवली ऑन द प्रोटेस्टर्स. प्रोटेस्टर्स को एकदम खूब अच्छे से लाठी वाठी चार्ज करती है, ठीक है. वॉलंटियर कॉर्पस जो है डिक्लेयर कर दी जाती है कि जो वॉलंटियर ये जो कॉर्प्स हैं ये लोग जो जो मतलब इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वायलेंस मतलब इसमें प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, उन सबको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलीगल, ठीक है ना. ओके. पब्लिक मीटिंग बैन कर दी जाती है, प्रेस को गैग कर दिया जाता है, गर्दन दबा दी जाती है प्रेस की, ठीक है ना, कि कुछ लिखना नहीं है. ओके. और गांधी मोस्ट लीडर्स ठीक है बेयरिंग गांधी वर अरेस्ट, सारे ज्यादातर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है. ओके. बात समझ आ गई. 1921 के अंदर कांग्रेस जो है अपॉइंट करता है गांधी जी को सोल अथॉरिटी ऑफ द इशू, ऑन द इशू बोलते हैं गांधी जी सर्वसर्वा द डिक्टेटर, जो गांधी जी कह देंगे बस वही होगा. कांग्रेस ने एकदम पूरी सोल होल सोल अथॉरिटी गांधी जी के हाथ में दी थी कि जो आप कहेंगे माई बाप वही होगा, ठीक है. फरवरी 1922 गांधी जी थ्रेटन करते हैं गवर्नमेंट को, कहते हैं देख भाई अभी तो नॉन कोऑपरेशन है, अगला होगा सिविल डिसोबीडियंस, तुम जेल भरने से थक जाओगे हम तुम्हारे लोग नहीं खत्म होंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी हमारे लोग नहीं खत्म होंगे तुम समझ लो. तो गांधी ने कहा कि हम जो है बरदौली से गुजरात से हम लोग लॉन्च करेंगे क्या सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है ना. पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड, अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज नहीं किया गया, ठीक है ना, और प्रेस कंट्रोल को रिमूव नहीं किया गया, ठीक है ना, हम क्या स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब यहाँ न्यूज़पेपर क्या लिखता है? महात्मा द डिक्टेटर, ठीक है, वेस्टेड विद ऑल कांग्रेस अथॉरिटी, सारी कांग्रेस अथॉरिटी किसको मिल गई? हाकिम अजमल खान ऑन बेटेन ड्यूटी और बायकॉट ऑन द ये वो, मतलब सारी कहानी लिख रहे ना. महात्मा को क्या लिखा है? महात्मा द डिक्टेटर, हेडिंग देख लो, ठीक है. आई विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अच्छा तो हम वो कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो सब अपनी बहस चल रही है. बट द मूवमेंट हैज हार्डली बिगन, स्टार्ट हुआ था उससे पहले क्या हुआ? बस एक खराबी हो गई, चोरी चोरा इंसिडेंट. चोरी चोरा इंसिडेंट, वायलेंस हो गया. गांधी जी ने क्या कहा था? अहिंसा नॉन वायलेंस. आपने क्या कर दिया? वायलेंस. अब गांधी जी अपने प्रिंसिपल पे बहुत तगड़े, गांधी जी अपने प्रिंसिपल के खिलाफ बात नहीं करते थे. गांधी जी को कोई बहुत मुश्किल था कि आप कन्विंस कर दो उनके प्रिंसिपल के खिलाफ. जैसे होता ना कि आदमी कुछ गलत काम नहीं करना चाह रहा लेकिन बच्चे कह रहे हैं, बीवी कह रही है, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो पीयर प्रेशर में आ गया आदमी का, अच्छा चलो एक बात करिए. जैसे कोई कोई बंदा, बहुत सारे लोग होते हैं ना करप्शन नहीं करना चाहते लेकिन बीवियों की डिमांड इतनी होती है कि वो बेचारे करप्शन करने में मजबूर हो जाते हैं. एक मूवी देखी थी मैंने, मूवी नहीं क्या था वो, कुछ पाकिस्तानी शो था, उसमें बेचारा करप्शन नहीं करना चाहता, उसकी बीवी को इतना लालच होता है वो करप्शन करवाई देती है उससे, तो उसका जमीर गवारा नहीं करता पर फिर भी करता है. तो ऐसे बहुत सारे मतलब लोग होते हैं. तो गांधी जी लेकिन अपने प्रिंसिपल में बहुत टाइट थे, उन्होंने कस्तूरबा गांधी को बता रखा था कि बचपन से जानती हूँ तुम्हें, तो बचपन से मैं भी तुम्हें जानता हूँ, ज्यादा नौटंकी नहीं करना है, तो मतलब वो नहीं करवा सकती थी. तो कुल मिलाकर ये था कि वायलेंस हुआ तो गांधी जी को था कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी वाज वेरी कन्विंस्ड कि देखो एक तरफ अगर आपने वायलेंस किया तो आप क्या कर लोगे, ज्यादा आग लगाओगे एक दो जगहों पे, ठीक है ना. उनके पास गोलियां हैं, उनकी गोली की कीमत मुश्किल से एक रुपया भी नहीं होगी और आपकी जान की कीमत बहुत है आपके परिवार के लिए. तो पता क्या चलेगा? आपके परिवार के लिए, देश के लिए वो गोलियां चलाएंगे, ठीक है, और आपकी तो जान जाएगी, आपके पीछे कितना परिवार बर्बाद होगा. तो वायलेंस करोगे तो वो वायलेंस में उतर आएंगे और गवर्नमेंट के वायलेंस का
क्या नाम है, आंसर नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप उसके अंडर में हो। तो वायलेंस प्रॉम्प्ट हो गया, गांधी जी ने विथड्रॉ कर दिया मूवमेंट को, गांधी जी ने बोला भाई मैं ये बर्दाश्त, ठीक है। पुलिस हैज बीटन अप द लीडर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स, पुलिस ने जो है पीटना शुरू किया सबको, ठीक है ना। क्राउड ने क्या किया, मतलब कैसे चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने मारना शुरू किया लाठी चार्ज, तो गांधी जी कहते हैं पीट जाओ, जेल में डाल देंगे, जेल में चले जाओ। एजिटेशन वर्कर जो थे एजिटेट किया लोगों ने, क्राउड ने, अब गांधी जी का मैथड तो लोगों को समझ में नहीं आया उतना अच्छे से, अभी तो गांधी जी का पहला मूवमेंट है तो गांधी जी को इतना अच्छे से लोग समझ नहीं पाए हैं, और किस कुछ लोगों जल्दी कंट्रोल में नहीं आते ना, तो पता चला ये गांधी जी बैठे हुए हैं चाहे गुजरात में, लेकिन वो वहां पे गोरखपुर में जला दिया, ठीक है। गोरखपुर में क्या किया, अच्छा गोरखपुर वाले हमारे एरिया वाले वैसे ही जानते हैं जबरदस्त वाले होते हैं वो, तो मतलब उनको तो किसी बात समझ नहीं आती, तो क्या चोरी चोरा वायलेंस हुआ, सस्पेंड में मतलब उन्होंने पूरा वो जला दिया था, पुलिस स्टेशन जला दिया था, उसमें बच्चे बच्चे भी थे पता है, पुलिस वालों के बच्चे भी थी उनको वहां पे मतलब जलाया था, तो इसकी वजह से गांधी जी, लेकिन वो मतलब उसमें से कहा रिपोर्ट ये भी है कि कुछ लोग मारे गए कुछ लोग नहीं मारे गए, लेकिन जो वायलेंस की वजह से गांधी जी जो है एकदम क्लियर हो गए कि भैया अगर मूवमेंट विड्रॉ नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, तो फर्दर तो क्या होगा, पैन इंडिया वायलेंस हो सकता था और बहुत सारे लोग मारे जाते, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है बरदौली के अंदर, उन्होंने कहा कि सारी एक्टिविटीज रिजोल्यूशन पास किया कि ऑल एक्टिविटीज जो भी कानून को तोड़ने वाली है ये है वो सब खत्म करो, अभी जो है हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, क्या करेंगे कंस्ट्रक्टिव। गांधी जी जो है को कहा गया इस वायलेंस का जिम्मेदार ठहराया गया, गांधी जी की वजह से वायलेंस हुआ है, पुलिस स्टेशन को आग लगाया गया है, गांधी जी को अरेस्ट किया गया और 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना, ओके। अब गांधी जी वाई गांधी जी विद्रोह द मूवमेंट, पीपल हैड नॉट लर्न फुल्ली और फुल्ली अंडरस्टूड वन ऑन वायलेंस, गांधी जी को समझ में आ गया था कि लोगों को अभी समझ में नहीं आया है, मैंने हथियार देकर उनको भेज तो दिया है लड़ने के लिए नॉन वायलेंस का, लेकिन उनको नॉन वायलेंस का हथियार यूज करना ही नहीं आता है, गांधी जी को ये बात क्लियर हो गई थी, ठीक है। और दूसरी बात, लोग थकने लगे थे भाई, 2 साल तो मूवमेंट चल गया ना लगभग, 1920 से 1922 तक चला, तो कम से कम 2 साल चला, अब 2 साल में जब नॉन कॉपरेशन करोगे तो आपके घरों में भी परेशानी हो जाएगी, आप जब खाने के लिए नहीं होगा, आपके बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, आप काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, डेली वर्कर्स को कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे, तो लोगों के अंदर थकान तो होने लगी थी, जो जो छोड़ छोड़ के बैठे थे जो, ठीक है, सब्र भी बच्चे था, पेशेंस था नहीं, ठीक है। और मूवमेंट हाई पिच में, गांधी को बहुत क्लियर था कि हाई पिच में बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना आसान नहीं है, ये मूवमेंट लंबा लंबी लड़ाई है और ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसने क्लियर कर लिया था लीडिंग ने कि चुन चुन के मारूंगा सबको, ठीक है ना, तो वायलेंस हुआ तो चुन चुन के मारूंगा, ओके। और यहाँ पे वायलेंस मूवमेंट हो गया था, उधर खिलाफत भी सब भूल गए थे, क्यों भूल गए थे, क्योंकि खिलाफत का इंस्टीट्यूशन जो है वो उन्होंने क्या कर दिया था, इंडेमनीफाई कर दिया था, एकदम खत्म कर दिया था, ठीक है ना। तो सेंट्रल थीम जो थी खिलाफत की वही डिसिपेट हो गई थी, समझ लो। नवंबर 1922 में क्या हुआ था, मुस्तफा कमाल पाशा ने सुल्तान की जो पॉलिटिकल पावर थी वो सब खत्म कर दी थी और टर्की को खिलाफत एबॉलिश कर दिया था और टर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिया था, क्या बना दिया था, आप यहाँ देखें ये मुस्तफा कमाल पाशा है, द कैलिफ डिस्पोज सीन इन थ्रोन रूम, ठीक है, एंड एक्सप्लोजन एट नाइट आफ्टर द विक्ट्री ऑन 29th of October 1923 The modern Republic of Turkey has been officially founded and Mustafa Kemal Pasha has elected as the first president of the Republic of Turkey. ठीक है ना, ये मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है। तो अगर खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं इसको, इसके अगर हम असेसमेंट करें पॉजिटिव, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट था, खूब मुसलमान खूब इन्वॉल्व हुए थे खिलाफत मूवमेंट की वजह से, ठीक है ना। हर नेशनल सेंटिमेंट जो था वो एवरी नूक एंड कॉर्नर तक कंट्री के पहुंच गया था, ठीक है, पोलिटिसाइज किया गया था स्टेट, हर मतलब पॉपुलेशन के हर लेवल पे लोग जो है कॉपरेट कर रहे थे, आर्टिस्ट्स, पीजेंट्स, स्टूडेंट्स, अर्बन पुअर, वुमेन, ट्रेडर्स, सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। मिथ जो था कि कॉलोनियल रूल इनविंसिबल है, ये भी टूट गया था, क्योंकि सत्याग्रह में इनकी हालत खराब करवा दी। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा, मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर था, बट वाई दे इन्वॉल्व, उनका जो रीजन था इन्वॉल्व होने का, ड्यू टू द रिलीजियस इशू, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जब रिलीजियस इशू की वजह से इन्वॉल्व हुए थे, तो एक तरह से एक डायरेक्शन मिल गया था कम्युनलिज्म की तरफ, है ना, कम्युनलाइजेशन हो गया था एक तरह से, कि कम्युनल हो गई थी चीजें, वो इनिशियली जो है मुस्लिम ज्वाइन किया उन्होंने रिलीजियस इशू की वजह से, ठीक है,
और रोल ऑफ नेशनल लीडर क्या था वो देखा जाए तो रिलीजियस इशू को उन्होंने सेकुलर उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की और इस तरह से फेल हुआ क्योंकि लार्ज स्केल में एंड ऑफ द मोमेंट लार्ज स्केल मुस्लिम पार्टिसिपेट कुड नॉट टेक प्लेस, लार्ज स्केल पे मुस्लिम पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए क्योंकि वो एक खिलाफत का इंस्टीट्यूशन भी डाउन हो गया था। तो एक ये भी है, दूसरा ये भी है कि क्या नाम है वो लोग नॉन वायलेंस को ना समझ पाने की वजह से गांधी के मेथड्स को ठीक से समझ नहीं पाए थे। ठीक है ना, बात आ गई सामने है। गांधी जी ये देखो तीन चीजें थी हमें मांगनी थी, एक तो स्वराज की डिमांड थी ये तो मेन था, दूसरा हमारा क्या था कि भाई खिलाफत इशू यानी कि जो खलीफा है उसके इंस्टीट्यूशन को दबाया ना जाए, तीसरा क्या था जलियांवाला बाग राउंड, जलियांवाला बाग राउंड के लिए उन्होंने क्या लगा दिया था हंटर कमीशन बिठा दी, खिलाफत डिसॉल्व हो गया, स्वराज हम मांग रहे लेकिन चोरी चोरा हो गया, अब हम मांगे कैसे, कौन से मुंह से मांगे, वायलेंस गांधी जी के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर गांधी जी ने मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। अच्छा विड्रॉ करेंगे मूवमेंट तो ऐसा नहीं है कि सब खुश हो जाएंगे, वो लोग जो अपनी लिबरेटिव प्रैक्टिस छोड़ छोड़ के आए हैं, पैसा छोड़ के आए हैं, पोजिशन छोड़ के आए हैं, जज थे छोड़ के आए हैं, वकील थे छोड़ के आए हैं, मतलब गवर्नमेंट टीचर्स से छोड़ के आए हैं, तो उन लोगों को तो तकलीफ हो जाएगी। और तो हाँ जो पैसा नहीं है उनको भी दिक्कत हो जाएगी, तो गांधी जी के खिलाफ भी लोग बहुत सारे हो जाएंगे। ये मूवमेंट चलता तो हम हो सकता था, अब ये स्वराज मिलता हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनते, मोतीलाल नेहरू सियारदास वगैरह सब सोच रहे थे कि हमारा अपना वो होता, लेकिन ये सब नहीं है, तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा नाराज होंगे मोतीलाल नेहरू और सियारदास, ये लोग ज्यादा नाराज होंगे, और ये कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी बना, क्या बना देंगे इसको स्वराजिस्ट कहेंगे, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे स्वराजिस्ट के बारे में, जिसमें सी आर दास चेयरमैन होंगे, ठीक है, और जॉइंट सेक्रेटरी उनके रेजदार वगैरह के तौर पे वो भूमिका निभाएंगे मोतीलाल नेहरू, डिस्कस। और अभी आगे स्वराजिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कांग्रेस खिलाफ है स्वराजिस्ट पार्टी, बाद में फिर वो मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह उसको परस्यू करेंगे और फिर वो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल ये खिलाफत करेंगे कांग्रेस गांधी जी के खिलाफ हो जाएंगे और कांग्रेस खिलाफत कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे और कांग्रेस के खिलाफ होने की वजह से कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी बनाएंगे सियादा से। तो ये है, लेकिन अभी हमें सिर्फ समझना था खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है। तो ये हमने पहले देखा, अभी क्वेश्चन है लेकिन आज हम नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, कल इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग पढ़ लीजिए इसको जाके, नॉन कॉपरेशन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए और खिलाफत मूवमेंट को समझने की कोशिश करिए और उसके बारे में और डिटेल में जो हम खिलाफत क्या था और कैसे टूटा और क्या हुआ वो हिस्ट्री में बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह बात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बात समझ में आई कुछ?